आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बिलासपुर सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश के दोनों प्लांट्स को बंद करने के पीछे केंद्र सरकार का हाथ बताया। सुरजीत ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही अडानी ग्रुप के दो सीमेंट प्लांट बंद हो गए, जिससे साफ होता है कि भाजपा द्वारा सत्ता हारते ही जनता से प्लांट बंद कर बदला लिया जा रहा है। साथ ही सुरजीत ठाकुर ने कहा कि सीमेंट प्लांट बंद होने से हजारों लोगों के रोजगार पर काफी बुरा असर पड़ा है और आर्थिक हालात खराब हो रहे हैं, मगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुप्पी साधे बैठी है। वहीं सुरजीत ठाकुर ने सीमेंट कंपनी प्रबंधन द्वारा सीमेंट के दाम बढ़ाना चाहती है, जिसका ठिकरा वह ऑपरेटर्स के माल ढुलाई भाड़े को बढ़ाने की मांग पर डालना चाहती है, मगर ऑपरेटर्स की मांग जायज है और प्रदेश सरकार को कंपनी प्रबंधन के खिलाफ तुरंत उचित कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं सुरजीत ने जल्द ही दोनों सीमेंट प्लांट न खोले जाने पर आप पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रक ऑपरेटर्स और स्थानीय जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दे दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमआई न्यूज, हिमाचल। कि 30,000 परिवारों का जहां रोजगार छीना है, वहीं दूसरी ओर लाखों परिवारों के घर का चूल्हा जलना बंद हो चुका है। मैं आग्रह करना चाहता हूं एक हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार से कि आप ये सारी चीजों को अपने हाथ में लें। ये हल नहीं है कि आप सीमेंट की जो अमूजा और ACC प्लांट जो बंद पड़े हैं उनको बंद करवा के आप तीसरी किसी कंपनी को ठेका देते हैं, जहां से प्रति बैग 20 रुपये हमें महंगा मिलता है। ये 20 रुपये किसकी जेब से जा रहा है? हिमाचल प्रदेश की जनता की जेब से ये 20 रुपये जा रहा है। और आपको 20 रुपये ही नहीं, यहाँ 1,00,000 से ज़्यादा परिवार जो प्रभावित हुए हैं उनकी रोजी रोटी को भी आपने छीन लिया है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये बहाल किया जाए, और यदि ये उद्योगपति ना माने तो आपको इसके ऊपर नियंत्रण खुद का करना चाहिए, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के अंदर कारोबार कर रहे हैं, कोई अपने घर के अंदर नहीं कर रहे। हिमाचल प्रदेश की सरकार को ये सारे उद्योगों को अपने अंडर लेना चाहिए और इस जो उद्योग को है लगातार चलाना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ स्थानीय लोगों का कारोबार चलता रहे। यहाँ उद्योगपति आता है और रातों रात ताला लगा कर चला जाता है और एक फतवा जारी करता है कि आप ट्रांसपोर्टरों को बोलता है कि आप अपने रेट आधे कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं उद्योगपति से, मैं अंडानी से सीधे सीधे ये बात पूछना चाहता हूं, क्या जो गाड़ियों में रबड़ चढ़ाई जाती है उसके रेट आधे हुए? क्या डीजल और पेट्रोल के दाम आधे हुए? आप बात कर रहे हैं कि आज से 10 साल पहले जो रेट हुआ करते थे, आप 11.5 रुपये का जो पर इसका टन का जो रेट पर किलोमीटर का जो है उसको आप आधा करवाना चाहते हैं, तो आप बताइए किस बेस पे वो आधा होगा? आधा तब हो सकता है कि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम 30 से 35 रुपए लीटर पर लीटर हो जाए। रबड़ क्या स्पेयर पार्ट के जो रेट आज की डेट में है, क्या वो रेट आधे हुए हैं? तो यदि ये सारे रेट आधे होते हैं तो मैं ट्रांसपोर्टरों को भी मैं बोलूंगा कि आपको भी अपने रेट आधे कर देने चाहिए। पर यदि वो रेट आधे नहीं हुए हैं, आज वो डबल से भी ज्यादा है, तो किस बेस पे आप ये बोल रहे हो कि ट्रांसपोर्टरों को अपने रेट आधे करने चाहिए? तो ये सारी बात है, ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पूरी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। जिस तरीके से यहाँ से सांसद अनुराग ठाकुर इस मुद्दे पर जुबान तक नहीं खोल रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जगत प्रकाश नड्डा जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या इनका इनका नैतिक कर्तव्य नहीं बनता यहाँ की जनता के प्रति जिन्होंने उनको चुनकर भेजा? At Vikas, biggest sale of the year is now live. Up to 70% off on everything. Visit now. Patel Chowk, Pathankot.